बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास टू सब्जेक्ट एसएसटी लेक्चर हमारा 19। हमारी रिवीजन चल रही है। लेक्चर नंबर 19 में हम लोग बात करते हैं हम अपने वर्क पेज की पेज नंबर 44। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हमारे हो गए हैं, जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। सो यहाँ पे ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 44। पार्ट एक की बात करते हैं। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट योर हाउस। सो स्टूडेंट्स, आपने अकॉर्डिंग टू योर हाउस, हाउ योर हाउस इज डिज़ाइन, आपका कैसे घर जो है डिज़ाइन किया क्या है एंड कैसे वो तैयार हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सो सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन वाज इट बिल्ट, आपने अपने हाउस को बताना है कि कब ये बिल्ट हुआ, कब तामीर हुआ। नंबर 2, डज इट हैव अ गार्डन, अगर आपके घर का गार्डन है तो आप लिखेंगे येस और नो। नंबर 3, वेयर आर द कार्स पार्क, कहाँ पे कार को पार्क किया जाता है वो आपने बताना है, इज इन द ग्रास और नॉट। एंड नंबर 4, हाउ मेनी रूम्स डज इट हैव, कितने रूम्स हैं आपके हाउस में अकॉर्डिंग टू योर हाउस, आपने इनके आंसर्स राइट करने हैं। नंबर 5, हाउ मेनी पीपल लिव देयर, और कितने पर्सन, कितने मेंबर्स वहां पे उस घर में रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2, सी ऑन योर बुक पेज नंबर 44 पार्ट बी। स्टूडेंट्स, ये आपका ओरल होगा। लुक एट दीज हाउसेस, दे आर हाउसेस इन द अदर कंट्रीज, टॉक अबाउट देम एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर मेड ऑफ। देखिए, आपने पिक्चर देखनी है और गेस करना है कि किस चीज से हाउसेस बने हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी, नेम पार्ट सी की। नेम द पर्सन हु, फिलिंग द ब्लैंक्स आपने अपनी बुक के ऊपर फिल करनी है, पेज नंबर 44। अगर किसी बच्चे का पहले ही मिस हो चुका है तो आप लोग ये रिवीजन में कंप्लीट कर लें। नंबर 1, पुट्स इन द पाइप्स एंड टैप्स डैश, अब देखिए जो हमारे घर का सेंट्री वाला काम होता है पाइप्स और टैप्स का, पाइप जब डलते हैं पानी वाले या गैस पाइप लाइन, तो कौन वो सब करता है, प्लम्बर, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, प्लम्बर। नेक्स्ट नंबर 2, वर्क्स विद वुड, द पर्सन हु वर्क विद द वुड, जो लकड़ी का काम करता है उसे क्या कहते हैं, कारपेंटर। नंबर 3, डिजाइन द हाउस, जो पर्सन हाउस को डिजाइन करता है, हाउस का नक्शा बना के हमें देता है, किस तरीके से हाउस पहले सारा डिजाइन किया जाता है कि यहाँ पे ये चीज होगी, यहाँ पे ये, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट। नंबर 4, नेक्स्ट है कैरीज लिफ्ट हेल्प एंड डिग्स, जो खुद कुछ चीजें मतलब कि खोदता है, खुदाई करता है, हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेकर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेबरर। नंबर 5, डज द इलेक्ट्रिकल वर्क, जो इलेक्ट्रिकल वर्क काम करते हैं उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिशियन। नंबर 6, बिल्ड्स द वॉल्स विद द ब्रिक्स, जो ब्रिक्स का काम करते हैं मतलब इंटर वाला काम करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रिक लेयर। नंबर 7, पुट्स प्लास्टर ऑन द वॉल्स, जो वॉल्स के ऊपर प्लास्टर मतलब करते हैं, प्लास्टर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टरर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट ई की। You also use tools of reading, writing and drawing. आप अपने writing, drawing और reading की tools को use करते हैं। Your books, pencils, brushes, etc. are your tools. List all the tools you use while studying. आपने अपने उन tools की बात करनी है, बतानी है, list बनानी है जो आप पढ़ते हुए use करते हैं। नीचे ने लिखा my tools. See on your book. आपने fill करने blanks, यहाँ पे number 1 आप write करेंगे pencil, number 2 eraser, number 3 ruler, स्केल, नंबर 4 शार्पनर। ओके, अल्लाह हाफिज़।